हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन्स के अंदर हमने गूगल सर्च ऐड के बारे में सीखा था। हमने गूगल सर्च ऐड भी बनाई थी, उसके टर्म्स और जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे गूगल डिस्प्ले ऐड के बारे में, इसके टर्म्स और कंडीशंस के बारे में, और जब हम डिस्प्ले ऐड रन करते हैं उससे पहले हम किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आने वाले दो तीन लेसन्स के अंदर हम डिस्प्ले ऐड के बारे में, डिस्प्ले एड्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और हम डिस्प्ले ऐड में आपको बना के बताऊंगा ना, और कुछ लेसन के अंदर उसको वीडियोस के अंदर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो इसके जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, और तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो डिस्प्ले ऐड होती है जो गूगल की बहुत ही अच्छी होती है रीमार्केटिंग के लिए। ये बहुत ही सस्ती होती है, इसमें ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। ये डिस्प्ले ऐड ओनली हमेशा हमें रीमार्केटिंग के लिए ही यूज़ करनी चाहिए, हमें कोल्ड ऑडियंस के लिए कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, तो डिस्प्ले जो होती है वो होती कौन सी है आपको पता है नहीं कि डिस्प्ले कौन सी होती है। तो डिस्प्ले होती है कि मतलब जिससे आप कोई वेबसाइट पर जाते हो तो उसमें टॉप में बॉटम में आपको साइड बार के अंदर जो बैनर्स वगैरह देखते हैं वही डिस्प्ले का पार्ट होती है, वही डिस्प्ले ही होती है। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, यहाँ पर अभी लैंडिंग पेज है, वो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जो है इस पर तो वेबसाइट का जो क्या टाइटल हो जाता है, यहाँ पर कभी कभी आ जाता है ऐड आती है, कभी कभी यहाँ पर ये बैनर ऐड आती है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो फिर यहाँ से कंटेंट हो जाता है, ब्लॉग के रूप में होता है, यहाँ पर कंटेंट होता है, उसके बाद में यहाँ पर एड वगैरह होती है। ओके, और यहाँ पर बॉटम के अंदर जो बैनर्स वगैरह ऐड होती है वो होती है डिस्प्ले ऐड का ही पार्ट होती है, वो डिस्प्ले ऐड ही होती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे डिस्प्ले ऐड कौन सी होती है, जो बैनर के रूप में जो हमारी वेबसाइट को दी, हमारी वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइट्स पर दिखती है, कोई वेबसाइट पर हम जाते तो दिखती है, तो वही डिस्प्ले ऐड का पार्ट ही होती है, वो डिस्प्ले ऐड होती है। ओके, और दूसरी जो बात है डिस्प्ले ऐड होती है उसमें कोई भी कीवर्ड जो मैच टाइप है वो ओनली ब्रॉड मैच कीवर्ड का मैच टाइप होता है। जब हमने सर्च ऐड पढ़ा था उसमें जब कीवर्ड का मैच टाइप वो फोर टाइप के कीवर्ड मैच टाइप होते थे, लेकिन इसके अंदर ओनली जो कीवर्ड जो मैच टाइप होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड मैच टाइप ही होता है इसके अंदर ओनली। इसके अंदर ब्रॉड मैच कीवर्ड मैच टाइप ही होता है, और आपके कोई भी किसी प्रकार के कीवर्ड मैच टाइप नहीं होते, ओनली ब्रॉड मैच के अलावा ओनली ब्रॉड मैच कीवर्ड मैच टाइप ही इसमें होता है। ओके, और बाद में बात आती है कि हमें डिस्प्ले ऐड रन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये आता है कि हमें डिस्प्ले ऐड रन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डिस्प्ले हमें कोल्ड ऑडियंस के लिए कभी भी रन नहीं करनी चाहिए, हमें रीमार्केटिंग के लिए ऐड रन करनी चाहिए। रीमार्केटिंग के बारे में जो वीडियोज है लेसन है वो आगे मैं कुछ लेसन मैं आपको क्लियर करूँगा रीमार्केटिंग के बारे में। मैं आपको सर्च ऐड की रीमार्केटिंग, यूट्यूब ऐड्स की रीमार्केटिंग, डिस्प्ले ऐड की रीमार्केटिंग, इन सभी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए आज ही, और आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, तो पता है कि डिस्प्ले है कि वो आपको कभी भी कोल्ड ऑडियंस के लिए नहीं बनानी चाहिए, डिस्प्ले आपको है ना ओनली रीमार्केटिंग के लिए ही बनानी चाहिए। ओके, तो डिस्प्ले ऐड के अंदर जो टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं, हम बात करते हैं डिस्प्ले के टारगेटिंग ऑप्शन के बारे में। डिस्प्ले की टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं जो तो मैनुअल और टारगेटिंग होते हैं, एक होती है ऑटोमेटेड टारगेटिंग। तो हमें हमेशा ऑटोमेटेड टारगेटिंग का यूज़ नहीं करना है, हमें हमेशा यूज़ करना है मैनुअल टारगेटिंग का यूज़ करना है, जिसमें हम डेमोग्राफी देख सकते हैं कि हमारा जो जो एड है वो किन एज ग्रुप के लोगों को दिखे। ओके, और जो एफिनिटी हमें जो कस्टम एफिनिटी होती है, मतलब कि जो मार्केट के अंदर जो क्या चल रहा है, जो इन मार्केटिंग ऑडियंस होते हैं उनको हमारी एड दिखे, और जो लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट बेस्ड होती है, जो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टाइम से हम जो मार्केट के अंदर है उनको हमारी जो एड है वो शो होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेस्ड जो एड है वो दिखे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेस्ड यूजर्स को ऑडियंस को हमारी एड दिखे। तो हमें हमेशा जो टारगेटिंग ऑप्शंस के अंदर हमेशा हमें जो मैनुअल टारगेटिंग ऑप्शन ही चूज करना है। ओके, डिस्प्ले एड के अंदर जो मैनुअल टारगेटिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी टॉपिक्स वाइज होती है, कौन कौन सी जो कैटेगरीज वाइज में उसमें बटी हुई है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। कि जो डिस्प्ले एड होती है उसमें जो मैनुअल टारगेटिंग होती है उसमें होते हैं डेमोग्राफी होता है। ओके, कस्टमर की डेमोग्राफी होता है कि हमारे जो एड हो किन एज ग्रुप के लोगों को दिखे। सेकंड नंबर पे आता है हमारी ऑडियंस होती है, जिसके मैंने बताया कि किस प्रकार की ऑडियंस को, किस कैटेगरी की ऑडियंस को हमारी जो किन मार्केट की ऑडियंस को हमारी जो एड हो दिखे। उसके बाद में कंटेंट टारगेटिंग जो कौन कौन सी एड भी हैं, जो कौन कौन सी कंटेंट हैं ब्लॉग वेबसाइट वगैरह हमारी एड वो दिखे, किन किन टॉपिक्स के ऊपर, किन किन प्लेसमेंट हमारी एड दिखे। ओके, और उसके बाद में आता है जो कंटेंट टारगेटिंग होती है, इसके अंदर थ्री टाइप्स की कैटेगरी होती है कंटेंट टारगेटिंग के अंदर। जो पहले जो टारगेटिंग होती है वो कीवर्ड, हमें कभी भी कीवर्ड जो टारगेटिंग है वो नहीं करनी है। कंटेंट टारगेटिंग के अंदर कभी भी कीवर्ड टारगेटिंग जो ऑप्शन होता है उसको कभी चूज नहीं करना है। ओके, हमें जो बेस्ट जो इसका जो ऑप्शन होता है टारगेटिंग का वो चूज करना है। प्लेसमेंट जो हमारी जो एडवर्क किस वेबसाइट पर दिखनी चाहिए, किस एप्लीकेशन में दिखनी चाहिए, इसका किस प्लेटफॉर्म में दिखनी चाहिए, उसका चूज करना चाहिए। ओके, हमें कभी भी कीवर्ड जो टाइप होता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जो कीवर्ड टाइप होता है उसका यूज़ कभी भी नहीं करना है। और जो हमें यूज़ करना है प्लेसमेंट का, हमें यूज़ करना है कि हमारा जो एड है
वो किसी एड पे दिखे, किसी सॉरी किसी वेबसाइट पे दिखे, किसी ऐप पे दिखे, हमें हम पर्टिकुलरली एक है जो टारगेटेड, जो हमारे जो बिजनेस टारगेटेड जो ऑडियंस होती है, जो वेबसाइट होती है, उन्हीं को हमें अपनी ऐड दिखा सके। इसलिए हमें अपने जो ऐड को है ना, अपनी जो जो बिजनेस के लिए जो हमारी जो ऐड है, वो हमें एक रिसर्च करना होता है कि हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारा जो ऐड है वो कौन सी टारगेटेड वेबसाइट पर देगी जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो। उन वेबसाइट को चूज़ करना है, उन वेबसाइट को लिस्ट पर बनाना है, बाद में इन वेबसाइट को हमें जो प्लेसमेंट है उसमें यूज करना है। उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक, इसमें टॉपिक वाइज हमारी एड वो दिखती है, जैसे कि टॉपिक का वेट टूज का टॉपिक हो गया, हेल्थ का रिलेटेड हो गया, ब्यूटी हो गया, इन जिन बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके जिन पर हमारी ऐड दिखनी चाहिए। ओके, तो हमें जो ध्यान रखना कि जो बात है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देती है हमारे को टारगेटिंग के अंदर वो देती है हमारे को प्लेसमेंट टारगेटिंग। जो कंटेंट टारगेटिंग के अंदर जो ऑप्शन आता है वो आता है प्लेसमेंट टारगेटिंग। हमें हमेशा प्लेसमेंट टारगेटिंग का यूज करना है ताकि हमारा जो ऐड है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी बनी रहे। ओके, तो ये था कुछ आज से फसा ट्यूटोरियल। आज हमने इसमें सीखा कि डिस्प्ले जो होती है वो कौन सी डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले है वो कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, और डिस्प्ले के अंदर हम जो जो टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो बेस्ट जो टारगेटिंग ऑप्शन था वो कौन कौन से होते हैं। और बस ये था, और इसी के बारे में आज हमने बात की थी। और आने वाले कुछ लेसन के हम बात करेंगे कि हम डिस्प्ले बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में कि हम डिस्प्ले किस प्रकार से बनाएंगे, और डिस्प्ले किस प्रकार से हम उस डिस्प्ले बनाएं, और उसमें जो हम जो बिजनेस है उसको किस प्रकार से प्रमोट करें। ओके, और इसके बाद में एक आपको लास्ट में एक बार और बता दूँ कि आपको डिस्प्ले है कभी भी कोल्ड ऑर्डर्स के लिए यूज नहीं करनी है। प्लीज़ आप कभी भी कोल्ड ऑर्डर्स के लिए डिस्प्ले यूज़ मत कीजिएगा, ताकि नहीं तो आप लॉस में चले जाओगे। ओके, आपको डिस्प्ले यूज़ करनी है रीमार्केटिंग के लिए ही, डिस्प्ले आपको यूज़ करनी है, कभी भी आपको कोल्ड ऑर्डर्स के लिए डिस्प्ले यूज़ नहीं करनी है, ओनली रीमार्केटिंग के लिए ही डिस्प्ले यूज़ करनी है, ताकि जो आपको जो बिजनेस का जो प्रमोशन है वो अच्छी तरह से हो सके। तो आज का बस आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, और मिलेंगे कुछ आने वाले लेसन के अंदर, वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।